भाई दूज एवरीवन, को गाड़ी तक लेने आया, थैंक यू सो मच। खाएगा दीदी का ही पास्ता, खाएगा दीदी के साथ ही कोल्ड कॉफी लेगा। कच्चा मकई लाई होगी, कच्चा मकई लाई होगी लाई हो, पकाएगा तो तू ना पूरा। इसको मेरे एक्सपेरिमेंट पे इतना भरोसा है, इसने डिनर ही नहीं किया। राशिद कह रहा है मेरे को डांट पिटती, आज दीदी को डांट पिटने का मौका मिल रहा है, कैसे छोड़ दूं मैं। व्हाट इज दिस, गैस करोगे? ऐसे लसूड़े होते हैं तो मैंने कहा शायद भी वो भेजा, लसूड़ों का अचार होता है ना पंजाबी में बोलते हैं, लसूड़ों का पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। कब अचार नहीं आया था घर में, करौंदा जैसा, करौंदे करौंदे का मीठा भाई। हेलो एंड वेलकम टू अनदर डे, और आज है भाई दूज, हैप्पी भाई दूज एवरीवन। और मैं अपने भाइयों के लिए बनाया आज टेस्टी सा पास्ता, और आप लोगों ने बोला था पास्ता रेसिपी, तो मैं आज शेयर कर रही हूँ, प्लीज देख लीजिए पास्ता रेसिपी। तो ये है रेड सॉस, इसमें टमाटर, प्याज, एक शिमला मिर्च लाल वाली, और खूब सारा लहसुन, और दो हरी मिर्च। 100 ग्राम्स के हिसाब से मैंने लिया। ऑलिव ऑयल में इसको हमने पका लिया है, अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ मैं अनियन कैरमलाइज कर रही हूँ, ये थोड़ी ज़्यादा कैरमलाइज लग रही थी पर ये ऐसे ही करनी है, इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब इसमें बस मशरूम पका लेंगे, मशरूम और अनियन का बहुत अच्छा वो बन जाएगी सॉस आपकी। ये बन गया मस्त मशरूम एंड अनियन का सॉस, अब इसको सेपरेट कर लेंगे। ब्रॉकली को ब्लांच करने के लिए गर्म पानी में बस ब्रॉकली काट के डालिए फ्लोरेट्स, और हल्का सा सॉल्ट, इसमें बिल्कुल हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट। पूरे पेस्ट को ठंडा करके बस अब मिक्सी में पीस लेंगे। पैन में हल्का सा ऑलिव ऑयल लेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे, चिली फ्लेक्स को हल्का सा रोस्ट, थोड़ा थोड़ा कलर ऑयल में छोड़ देना। इसमें ब्रोकली फ्लोरेट्स जो है वो टॉस कर लेंगे। सेम पैन में अब सॉस थोड़ा सा पकाएंगे, बेजल, जो बेजल अच्छी लगती है तो मैं थोड़ी ज़्यादा डाल के बस उसको अब साथ में पकाना है, दैट्स इट, थोड़ी देर, मतलब 5 मिनट। ऑरिगैनो, और बस अब ये ऑरिगैनो के साथ और बेजल के साथ थोड़ी देर पकेगा। आपको अगर थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हो नमक के साथ। पक गई थी तो अब इसमें मशरूम, अनियन और वो जो हमने ब्रोकली करी थी वो सब इसमें ऐड कर दिए। व्हाइट सॉस बनाते हैं, पनीर और इसमें पानी, बस इसको अच्छे से स्मूथ पेस्ट ब्लेंड कर लेना है, और फिर इसको हम अपनी रेड सॉस में डाल देंगे, एंड आपका मिक्स ऑफ पास्ता बिल्कुल रेडी। और ये इतनी अच्छी व्हाइट सॉस बन दी है ना, मजेदार एकदम। व्हाट, पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करके और ब्लेंड करेंगे ताकि एकदम स्मूथ पेस्ट बन जाए। देखो एकदम स्मूथ पेस्ट बन गया है, अब इसको बस रेड सॉस के साथ ही पका लेंगे, अलग से पकाने की इसको कोई जरूरत नहीं होती। ये रेड सॉस तो बहुत टेस्टी बनी है, इसमें बस ऐसे ये व्हाइट सॉस और मिक्स कर देंगे, मिक्स सॉस पास्ता रेडी है, तो अब इसमें पास्ता डालेंगे एंड देन इट्स डन। बाय बाय बाय, एंजॉय, हैव फन, एंजॉय, बाय बाय पापा जी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, एंजॉय करो, चलो आप भी मस्त एंजॉय करना। ओके जी, हम अभी चाय पी, चाय मम्मा को बोला चाय बना दो, चाय पीऊंगा मैं तो बस। यस, चाय पी के आराम करूंगा। आज तो आप खिचड़ी दही खाइए, मतलब शाम में थोड़ा दोपहर में खा लेना। चलो जी आओ, तो मेरे को गाड़ी तक लेने आया, थैंक यू सो मच। चॉइस चॉइस नहीं थी तेरे पास, अच्छा लग रहा था, ऑरेंज कलर, क्या चीज अच्छी नहीं लगती। अच्छा आज तू, ओ माय गॉड, आज तो ये तो अलग ही सरप्राइज हो गया यार, बहुत अच्छा। अच्छा देर करती रहेगी, और आज ना मैं तेरे लिए पास्ता बनाया सुबह 5 बजे उठ के, मैंने पास्ता छोड़ दिया। एक चम्मच भी नहीं मिलेगा, क्यों मिलेगा, आधे चम्मच इसने पास्ता छोड़ दिया, अब इसको नहीं मिलेगा। एक चम्मच सोच के बोलना चाहिए था, मैंने बहुत टेस्टी वाला पास्ता बनाया, मतलब लाइक अमेजिंग वाला टेस्टी। ये सारा खा जाएगा सुबह से, इसलिए इसने कुछ भी नहीं खाया है। मम्मा भूखा है ना सुबह से, सुबह से इसने कुछ भी नहीं खाया है। आज का मोहरत लिए, आज कॉफी भी नहीं पी है इसने, 3 बजने वाले हैं। हाँ, और इसने आज सुबह से कोल्ड कॉफी भी नहीं पी है, वेट कर रहा था ना तुम्हारे पास। दीदी ये लाएगी, दीदी बर्गर लाएगी, दीदी का ही बर्गर खाएगा, दीदी का ही पास्ता खाएगा, दीदी के साथ ही कोल्ड कॉफी लेगा। हाँ देख पास्ता, अभी तो पास्ता नहीं, बर्गर खा रहा है, चार हो रहे इसको
दीदी का। एक्चुअली मैंने इसे पास्ता बताया ही नहीं था, मैं पास्ता ला रही हूँ, मैंने इसे बर्गर बताया था, तो वही उसी का इंतजार कर रहा होगा। अच्छा, उसको लग रहा है दीदी ने सिर्फ बर्गर लाए पास्ता नहीं लाई, तभी वो कह रहा है पास्ता नहीं खा रहा। मैंने ये सब त्याग दिया, सब त्याग दिया, बर्गर भी त्याग दिया। सोच ले, दो हफ्ते से बोल रहे मुझे बर्गर बर्गर। या लाई हूँ वो, मैं अलग से ही लाई हूँ, बर्गर बना के नहीं लाई। पता ही है मेरे को इतनी मेहनत थोड़ी ना होगी, कच्चा पक्का ही लाई होगी। कच्चा पक्का ही लाई हूँ, कहीं लाई हूँ, पकाएगा तो तू ना पूरा। मैं कह रहा हूँ इतनी मेहनत थोड़ी ना होगी। देख भाई दूज का मतलब होता है बहन आधा काम करे, भाई आधा काम करे, तो मैं दूज हो गया। हाँ, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया ना, बहन बना के लाया, भाई इंतजार कर रहा है, वही कंट्रीब्यूशन है बस। इनका इंतजार कंट्रीब्यूशन है यार, भाइयों का सही है, इनका इंतजार कंट्रीब्यूशन है। क्या ऐसी बातें कर रहे हो, बिगाड़ो मत। मैं इन्हें टीका करती हूँ, फिर कुछ खिलाते हैं, यार बेचारा भूखा बैठा तब से। हाँ, आधा दिन तो निकल गया है। आज का प्रसाद ये होता है, ये सारा सारा खाना, नट्स तो खाने खाने हैं, ये नट्स खा रहा हूं, छोड़ दे तू। इसके लिए तो तैयार बैठे यहाँ पे। ये हो ना, अब दिया मतलब वो प्रसाद है, मैंने कहानी पढ़ के सुबह 4 बजे उठ के कहानी पढ़ी है, सारा खाना नहीं मानता। 4 बजे चार बजे से अलार्म लगने शुरू हो गए थे, उठने शुरू हो गई थी, है ना। हाँ। 6 बजे तारे नहीं, उससे पहले कर लिया था सब कुछ, तारे की छाव में जल चढ़ा देते हैं। मैं तो 4 बोलूंगी, मैं को एग्जैजरेट करने का मौका तो दो। इसके लिए देखो स्पेशली जाके निकले करा है, भगवान करे ये सोने के दे तू अगली बार, चांदी के दे। मीठा पर ये थोड़ा सा खा, हेल्दी वाला, ये हेल्दी वाला गुड़ और आटे का। हाँ जी, वो खा सकता हूँ ये, जान के ना गुड़ और आटे का लेकर आती हूँ ताकि मम्मी पापा खा पाए, थोड़ा बहुत खा लें, ज्यादा तो ये शुगर का ध्यान रखना पड़ता है भाई, पर थोड़ा तो खा सकते हैं। नहीं सही बात है, आप आराम से खाओ, आप खाना भी शुरू करें, क्या बढ़िया आएगा, कुछ टेस्टी टेस्टी है। शाशु खाएंगे हम बर्गर, और अब हम खाएंगे पास्ता, तेरा पास्ता वो मैं लाई हूँ घर का, ये ले तेरी ट्रे, दोनों हाथ से ले। अभी ऑलरेडी है ना चॉकलेट बेचारा, है ना पापा जी, मैंने भी बोला हेल्दी हेल्दी खाना चाहिए, इसका फेवरेट है, इसका जो भी डाइटिंग ही है सब इसमें। नहीं नहीं पापा, क्या है ना वैसे ये पूरे साल अपने आप डाइटिंग कर लेता है। अच्छा, तो मेरा ना दिल ऐसे हो गया, मैंने कहा यार त्योहारों पे थोड़ा सा खिला दूंगा, जिन्होंने चिप्स वगैरह दे दिए, मैंने कहा उस पे दे दो कोई बात नहीं, खा लेगा ऐसे बिछा के अपना, 2 दिन में खा लेगा इसको, 2 दिन का ही है इसका बस। चलो गुड, 2 दिन का 1 दिन का। अरे वाह, चलो जी जूस पियो, आप हेल्दी जूस, जूस जूस पियो, जूस एप्पल जूस, थैंक यू। इसने निकाला सुबह से लग रहा है, वेरी गुड, उसने सिर्फ निकाला, मैंने उसने से काटे हैं। अच्छा, ओ ओ भाइयों, भाइयों का जूस है ना, मेहनत करी हुई थी, अभी इसका वो होगी डेकोरेशन, हाँ पूरी नहीं हुई थी अभी इसकी, सुंदर ये हमारा। ओहो, मैंने अनार उसमें डाल दिया, पर मम्मी से डांट खाऊंगी, पापड़ी में अनार डाल दिया, पापड़ी के पैकेट कैसे कर लेते यार, वो हाथ में अनार दे वो उसमें चले गए। अच्छा, तू और पंगे ले ले, अरे अच्छी से डांट खा, राशिद कह रहा है मेरे को डांट पिटती है, आज दीदी को डांट पिटने का मौका मिल रहा है, कैसे छोड़ दूं मैं। हमारा पास्ता आ गया है, नई भल्ले पापड़ी चाट भी आ गया है, टेस्टी टेस्टी है, सजा दी नमक तूने प्लेट एकदम, इसी की तारीफ हो रही है, पापा कर रहे हैं वो भी, है ना, पास्ता इज बेस्ट, पास्ता इज बेस्ट। अच्छा, मैंने बाजार से अच्छा बन रखा है, ये हेल्दी वाली मैदा नहीं है ना, इसलिए ज्यादा अच्छा टेस्ट, मुझे भी इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है। पापा ये भी हेल्दी है, इसमें ना तो बटर है, ना मिल्क है, ना चीज है, ना ही इसमें आपका मैदा है। अच्छा, और ये जो पास्ता है, ये पास्ता भी होल व्हीट सेमोलिना का है, मतलब सूजी और व्हीट का,
मैंने सब चीज ढूंढ ही नहीं लिया। इतने अनहेल्दी पास्ता खाया उसके बाद मैंने फाइनली एक हेल्दी सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया। इससे मना किया था इतनी वो मत करना, इतना लगना मत। मम्मी जी ये देखो पास्ता, इसको भी पसंद ही है तो भाइयों के बहाने ये खुद भी अपना अच्छा समझो। पता कब से लग रही है भाइयों के लिए, तो ये वो लाई है बर्गर वो भी, और ये भी बहुत टेस्टी है हमारी दही भल्ले की पापड़ी की प्लेट। हाँ मम्मी मैंने खा ली, सुंदर सुंदर टेस्टी टेस्टी कहा तो तुम्हारे भाइयों ने कर दिया। मैं अपनी सासू माँ की भी तारीफ करूंगा, इतना टेस्टी टेस्टी खिलाती हूँ मेरे को। हींग का भी फ्लेवर आ रहा है पूरा पूरा, टेस्टी है। मुझे पता है ऑलरेडी की एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत टेस्टी बनाया है। बिल्कुल बढ़िया, तो टेस्ट करना बर्गर बताती तो मैं पेट में जगह रखता ना। तुम समझ नहीं रहे, पापा जी भी अपने ससुराल जा रहे हैं, उनको भी तो जगह रखनी है। सारी बन जाएगी आपकी, इतनी दूर जाना जगह बनानी है ना, वहाँ तो जगह बन जाएगी, जगह बन जाएगी मम्मी जी जगह बन जाएगी वहाँ पे तो अपने आप ही। अभी था तो भी पहले बताते ना कि पास्ता भी, बर्गर भी, और अभी खाना भी है, खाना भी जो मम्मी ने बनाया है, जो मैंने मना किया था आपने जबरदस्ती बनवाए गोलगप्पे भी, गोलगप्पे भी है। ये शाश्वत ने तो खाया हुआ है, जो बंद बंद मुस्कान कर रहा है, ये वेट कर रहा था, इसी की वेट कर रहा था। बट ये इसकी कहानी क्या थी, लास्ट में भिजवाए थे तो दो बर्गर गोपालागढ़, मम्मी पापा के टेस्ट करने के लिए भी, बट वो शाश्वत ने खा ले, क्योंकि ना मैंने इसको फोन पे बोला कि मैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ तो मैं तेरे लिए भी भिजवा देती हूँ। डिनर ही नहीं किया इसको, मेरे एक्सपेरिमेंट पे इतना भरोसा है, इसने डिनर ही नहीं किया, किसी ने खाया, फिर वो इतना लेट हो गया था आते हुए। ये टेस्टी है, आज उतना ही टेस्टी बना है, कम टेस्टी है, बर्गर जैसा टेस्ट आ गया, बर्गर जैसा आया ना, बर्गर ही है ये। बर्गर आ गया सबका, थैंक यू, एंजॉय। मैंने तो बहुत टेस्टी बनाया वैसे सेगमेंट, अच्छा बन गया ना, सबने खा लिया अच्छे से। और दही वाले भी बहुत टेस्टी बने हैं, दही वाले एकदम चटपटे टेस्टी वाले बने हैं, सॉफ्ट है, मैं तो मीठी चटनी डाल के है ना सॉफ्ट, तो एकदम अच्छे खजूर की चटनी बनाई है टेस्टी। थोड़ी गपे गपे मार रहे हैं, सबसे बढ़िया तो शाश्वत है, रिलैक्स्ड एकदम। पापा भी लेट रहे, बैठे हुए कहाँ लेट है, पापा बैठे हुए है ना, मैं तो बैठा हूँ, बैठे हुए मैं भी बैठा हुआ, ऐसे ही लग गए जरा ऐसे हाथ पे ऐसे रखने के लिए, इसलिए रखा हुआ हमने ऐसे हाथ रखने के लिए, ऐसे ही लगते हैं। हेलो हमारे ये मम्मी कह रही है पेट बेशक भर गया लेकिन बनाए तो टेस्ट कर, मैं वही कहने लगा था टेस्ट तो कर ही लेते हैं, टेस्टी चटपटे एकदम बढ़िया। पापा अभी खा के देखो, पापा को बताओ बढ़िया, एकदम बढ़िया। डाइनो आपको पता है मम्मी ने ना पूरी वो जैसे पिछली बार बना रखी थी बास्केट, हाँ मुझे लग ही रहा था पूरी बास्केट भर रख के बनाया हुआ है। आपने अपनी कस्टमाइज चने और वो करवा ली है, अब कर स्टार्ट करा तो यार वो स्वाद आ ही गया, तो बोला खा ही लेते हैं, स्वाद आ जाता है इसमें गोलगप्पे, इज लाइक पेट भरे पे भी खा लो खाली पे तो खा ही लो कितने भी। मेरे को जैसे सिर्फ आलू और चना डाल के मस्त समझीजन ना, जब से मम्मी ने घर के गोलगप्पे खिलाए ना मेरे को घर के मजे आने लग गया, घर के गोलगप्पे खाने में मैं ज्यादा तीखे नहीं, ज्यादा मीठे नहीं, ज्यादा खट्टे नहीं, बैलेंस फ्लेवर है, धनिया पुदीने का ज्यादा फ्लेवर। मैं ये लिफाफा दे चुका दीदी को, पक्का दीदी ये बात पक्का, नमकीन क्या हो रही है जैसा, लिफाफे लेके बैठे हुए देते क्यों नहीं हो तुम, इतना सारे अनार खिलाए हैं, इतने सारे अनार खिलाए हैं, अनार खिलाए, देख मुझे पता है कि तेरा मेरे बिना मन नहीं लगता, तो जाता मैं और देर रुकू लेके कहानी के लिए बस हो गया, अब दे दे कहानी के। बाय बाय, ओके जी बाय बाय, बाय बाय, सायोनारा, चलो आ गए आ गए आ गए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मम्मी ने भिजवाया, व्हाट इज दिस, गैस करोगे आइए, पेर है कसूरे, नहीं पापा ये अमरूद छोटे वाले, अमरूद है ये छोटे छोटे से, बिल्कुल मीठे हैं, आओ खा के देखो, धोए धोए हुए हैं, बिल्कुल वो पिंक वाले अमरूद होते ना सॉफ्ट और एकदम बिल्कुल छोटे वाले वैसे ही हैं, बिल्कुल मीठे हैं, बस मैंने कभी इतने छोटे अमरूद देखे नहीं पिंक वाले। मैंने कहा ऐसे लसूड़े होते हैं
तो मैंने कहा शायद वो भेजा लसूड़ों का चार होता ना पंजाबी में बोलते हैं लसूड़, अच्छा। पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। एंजॉय किया बस बेटा बस, हमने एंजॉय किया एंजॉय किया, पर हमने ना स्नैक्स में हमारे इतना पेट भर गया कि खाना खाया ही नहीं गया। फिर मम्मी ने खाना पैक करके भिजवा दिया। चलो गुड, खाते आराम से। टेस्टी टेस्टी, देखा ये देखो यार ये मम्मा ने भिजवाया है, तुम बताओ क्या फ्रूट है ये। अमरूद की खुशबू है ना। हाँ हाँ पिकू सही में खाओ खाओ, देखने अमरूद ही है। हाँ ये अमरूद ही है, दिखने में ना ये ना पिंक गुआवा है, ये देखो वो बेर भी नहीं, वो अपना पिंक गुआवा है। यस पिंक गुआवा है, छोटू सा। भाभी इसको हम पेड़ लगा, इसको वो अगर गमले में डाल दो तो इसका पेड़ उगेगा। मेरे को बिल्कुल आइडिया, मैं ऑनेस्टली बताऊँ मैं इसे वेस्ट नहीं करना चाहूंगी क्योंकि ना बहुत मीठा है और बहुत टेस्टी है, खा के देखो। बिल्कुल पिंक गुआवा जैसा है ना, और मतलब लाइक है पिंक गुआवा ही, बट इतना छोटा मिलता है मेरे को नहीं पता था। गाइस टेस्टी है, आई वुड गिव इट अ सॉलिड रिकमेंडेशन इफ यू आर एबल टू फाइंड इट। मैंने तो पहली बार खाया, मैंने तो पहली बार मैं देखा भी पहली बार ही है। एक बेर से भी एक छोटा कुछ आता है फ्रूट उसके टाइप का, जिसका वो अचार नहीं आया था घर में, करौंदा जैसा। करौंदे करौंदे का मीठा भाई, मेरे को पता नहीं था। हम अभी आए रूम में तो पहले मुझे लगा टेबल पे पड़े करौंदे, तो मुझे लगा मम्मा ने अचार डालने के लिए। फिर अभी आपने फ्रेग्रेंस कराई तो फ्रेग्रेंस है लाइक नहीं है, तो पापा ने भी कुछ ऐसा कुछ गैस किया था। अब पापा ने कौन सा फ्रूट करा था वो मेरे को नहीं पता है, आपको पता तो आप बताना। ये अमरूद बहुत अच्छे थे, थैंक यू पापा। तो पता नहीं पापा कहाँ से ढूंढ के क्या लाए है, बड़े बहुत बढ़िया थे भाभी, वेरी नाइस। आप एक बार ना क्या कहते हैं मौसी जी से पूछना भी कि अगर हम इसको उसमें डाल दें वो भी कहेंगे एक्सपेरिमेंट है, ट्राई करके देख लो। एक सालों बाद अ फ्यू इयर्स लेटर।